गुलाम नबी आजाद सर, परम आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बहुत ही आदरणीय मेरे भाई अशोक तंवर जी, आदरणीय श्रीमती किरण चौधरी जी, आदरणीय आए हुए बहुत ही आदरणीय कुलदीप शर्मा जी, यहाँ पे उपस्थित मेरे ताऊ महेंद्र जी, भाई अनिरुद्ध जी, और यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्गों को, भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप इतनी भारी संख्या में, इतनी धूप में, और काम चल रहा है खेतों में, उन सबको छोड़कर आज आप आए हो मजबूती देने कांग्रेस पार्टी को, मुझे, हम सबको। हम कभी नहीं भूल सकते चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का क्या परिश्रम रहा है और क्या योगदान रहा है इस इलाके में। एक एक व्यक्ति यहाँ पे चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को याद करता है, और मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई। मैं केवल यही प्रार्थना करती हूँ आपसे कि भारी बहुमत से इस बारी कांग्रेस पार्टी को जिताइएगा, ताकि पूरे हरियाणा में सबसे आगे हमारा नाम हो कि हाँ, ये भिवानी महेंद्रगढ़ वो क्षेत्र है जहां पे सबसे भारी विजयी कांग्रेस का कैंडिडेट हुआ है। और मैं आज इस मंच के जरिए से अपने ताऊ जी से भी आशीर्वाद मांगती हूँ। आप मेरे बड़े बुजुर्ग हो और आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि विजयी होकर मैं निकलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका करती हूँ, और खास तौर पे गुलाम नबी सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ पे आए हैं। सर, ये चौधरी बंसीलाल की कर्म भूमि है, ये इलाका वो इलाका है जहाँ बढ़ चढ़ के लोगों ने तमाम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में यहाँ के लोगों ने बॉर्डरों पर रहकर हमारे देश के लिए शहादतें दी। ये वो इलाका है, जैसे हम बात कर रहे थे कि बिल्कुल सूखा प्यासा इलाका था, और चौधरी बंसीलाल ने इतिहास रचाकर यहाँ पे सारा जो आज हरियाली दिखती है चौधरी बंसीलाल की वो देन। तो यहाँ के हर घर, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी कहा करते थे कि बेटा, ये केवल एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, ये हमारा घर है, और यहाँ पे घर घर ने हरदम यहाँ पे वोट दिया है चौधरी बंसीलाल को। तो आपको मैं नतमस्तक करके प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। आपकी बेटी हूँ, बहन हूँ, हर गांव में आऊंगी और मुझे विजयी बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।